आदाब नमस्कार, मैं हूं मुश्ताक खान। मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं पाक सर्कस मैदान के पास। यहां पीछे देख सकते हैं कि यहां पर ड्रेनेज का काम चल रहा है। एक दर्दनाक हादसा हुआ है। एक नौजवान मजदूर जो यहां काम कर रहा था, ज़मीन धंस गई, उसके ऊपर मिट्टी दब गई और मिट्टी के नीचे दबकर उसकी मौत हो गई। उस नौजवान, कहा जाता है कि मरने वाले नौजवान की उम्र, मजदूर की उम्र सिर्फ 22 साल है और वो 124 कोरोना के संदेश खाली का रहने वाला। हालांकि इस बारे में पुलिस कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लोकल काउंसलर से जब हमने बात करने की कोशिश की तो वो भी कुछ बात करने के राजी नहीं हुए। उनका कहना है कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। बाकी मजदूर जो है अस्पताल में हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि डॉक्टर ऑफिशियली उसे मृत घोषित करे ताकि वो लाश को अपने घर ले जाएं, आखिरी जो भी जनाजे का जो तस्वीर तकफीन होता है वो करें। लेकिन ये दर्दनाक वाक़या हुआ, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सबसे बड़ा सवाल है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? एक मजदूर की मिट्टी के नीचे, बीच सड़क के मिट्टी के नीचे दबकर मौत हो गई, एक बेहद दर्दनाक वाक़या हुआ, इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगी? उस मजदूर के जो घर वाले होंगे उनका पुरसान हाल कौन होगा? उनकी मदद कौन करेगा? इस सवाल का जवाब हम तलाशते रहेंगे जब तक के जवाब नहीं मिल जाएगा। और इस बारे में क्या क्या हुआ है, क्या है पूरा मुद्दा, इस बारे में हम लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये वाक़या किस वक्त हुआ, कैसे हुआ और वो मजदूर जो मरा है उस वक्त वो क्या कर रहा था। यहाँ खुदाई का काम चल रहा था तो विदाउट सेफ्टी का काम करा रहा था यहाँ पर, तो कुछ प्रॉपर कोई बैरिकेडिंग नहीं था, तो रोड भी क्लोज करना चाहिए था, तो रोड भी चल रहा है, ओपन है, एक्सकवेशन का काम हो रहा है, तो विदाउट सेफ्टी का तो हुआ इंसिडेंट, तो वो कोलैप्स हो गया। एक्सकवेशन का काम जब चल रहा है तो आपके सामने हुआ था? जी मेरे सामने ही हुआ था, हम लोग जा रहे थे तो अचानक देखा कि इंसिडेंट हुआ, तो फिर निकालने खुदाई हुआ था। ये इंसिडेंट, इंसिडेंट कि काम कर रहा था बंदा नीचे, अचानक से कोलैप्स हो गया, मतलब मिट्टी गिर गया, मिट्टी गिर गया। ये मिट्टी कैसे गिरा ये बताएं। फिर उसके बाद जो एक्सकवेटर था वो और खोदने लगा, और भी काफ़ी सारी उसको चोटें आई होगी, लेकिन इसी तरीके से बस पूरा विदाउट सेफ्टी, कोई बैरिकेडिंग भी नहीं था, और जो मारा जाता है जो सेफ्टी के लिए जो गड्ढा किया जाता, लकड़ी दोनों तरफ दिया जाता, वो भी किया हुआ नहीं था। कॉर्पोरेशन की गलती बता रहे हैं जी। अभी तो बैरिकेडिंग देखे जा रही है, तो आप बोल रहे हैं बैरिकेडिंग नहीं था, तो क्या बात में लगाया नहीं? अभी अभी लगा होगा, उस टाइम नहीं था, एकदम हम लोग मौजूद थे उस टाइम। जब बॉडी रिकवर किया तो क्या स्टेटस था? सीजे नहीं था, पूरा कुछ किया हुआ नहीं था, ऐसे फाँका था, और खुदाई जब चल रहा था यहाँ का मिट्टी पूरा गिर गया, और रोज जो है ना वो पूरा फाँका है पूरा अंदर से, तो वो भी कोलैप्स हो जाता है, तो अभी भी रोज को बंद ही नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पर इतना बड़ा खुदाई का काम चल रहा है, रोज को तो क्लोज कर देना चाहिए। यहाँ पर देखिए दोनों कॉर्नर में लगा हुआ नहीं है, दोनों कॉर्नर में खोदा हुआ, डिजिंग उसको बोलते हैं, तो दोनों कवर किया जाता है दोनों साइड, और उसको ऐसा पूरा कवर किया जाता है, वो भी नहीं है, और विदाउट परमिट का काम चल रहा था, तो इंसिडेंट हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? कोई नहीं ले पाएगा, ना मेयर है ना कॉरपोरेशन है, कोई नहीं, सब हाथ उठा लेगा, तो हुआ गरीब बेचारा का लीवर का जान चला गया।